खबर चंदौली से, जहां पुलिस ने एक शराब तस्करी करने वाले गिरोह को भांडाफोड़ करते हुए गिरोह को दो सदस्य को गिरफ्तार कर उनके पास से भारी मात्रा में शराब बरामद किया। पुलिस की गिरफ्तारी में आए दोनों अभियुक्त पंजाब के निवासी बताए जा रहे। दरअसल पुलिस लीलापुर रेलवे क्रॉसिंग के सीमक वाहन के चेकिंग कर रहे थे, इसी बीच डीसीएम ट्रक आते दिखाई पड़ा। पुलिस ने वाहन चालक से प्रारंभिक पूछताछ आरंभ कर बिल्टी मांगी तो चालक द्वारा कुटरजित बिल्टी दिखाई जाने पर पुलिस को संदेह हुआ तो पुलिस टीम ने वाहन की तलाशी लेना शुरू कर दिया। इसी दौरान वाहन के अंदर पुलिस की भारी मात्रा में हथियार से निर्मित शराब बरामद हुई। पुलिस ने दोनों व्यक्तियों को माया ट्रक सहित पकड़कर थाने लेकर प्रारंभिक पूछताछ करने लगी। पूछताछ के दौरान दोनों युवक ने अपना नाम पता रंजीत गुरमीजीत सिंह निवासी तरनतारन पंजाब, बलदेव सिंह पुत्र चरणजीत सिंह निवासी कपूरथला पंजाब बताए हुए। आगे हम लोग विभिन्न प्रदेशों के सस्ते दामों में शराब की खरीदारी ऊंचे कीमतों पर बिहार में बिक्री कर देते हैं। आज हम सभी विकृत शराब के खौफ बिहार ले जा रहे थे, जहां पर हम इसके बदले में अच्छे रकम मिलती है। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए शराब की कीमत लगभग 48 लाख रुपए की जा रही है। पुलिस और स्वाट टीम चंदौली के द्वारा जो चेकिंग की जा रही थी, चेकिंग के दौरान सूचना पर एक डीसीएम गाड़ी जिस पर फोम लदा हुआ था और ऊपर से तिरपाल लदी थी को चेक किया गया तो उस गाड़ी से अवैध बिल्टी, बिना परमिट के बिल्टी, कूटरचित बिल्टी के साथ जो है उस डीसीएम में अवैध रूप से लदी हुई 460 पेटी अवैध शराब जो पंजाब के रहने वाले अभियुक्त हैं, दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के दौरान उनके पास से एक तमंचा 315 बोर और एक जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद की गई और डीसीएम गाड़ी बरामद की गई। 460 पेटी जो इंपीरियल ब्लू विस्की शराब है, इसकी कीमत बाज़ार में